एमजे व्लॉग्स जी हैं, कह रहे हैं हेलो विपुल सर, अंशुल सर, इन ये सर टाटा पावर और आईओसी में कह रहे हैं कि और अभी कितना डाउन लेवल तक जाएगा, क्या यहाँ पर कोई एवरेजिंग करनी है या फिर नहीं? टाटा पावर हो या कोई पावर हो, इस समय तो सब में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। 402 403 के आसपास अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ टाटा पावर का शेयर, और ये भी इसमें भी अब ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है, 494-495 से गिरते हुए 402 पे आ गया है। क्या करना चाहिए और कितना डाउन देख रहे हैं यहाँ से सर, और अगर किसी को लेना हो तो किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे, टाटा पावर और आईओसी? देखिए, टाटा पावर आपको याद होगा 460 के आसपास मैं ही रिकमेंड कर रहा था और बहुत कॉन्फिडेंस से रिकमेंड कर रहा था, लेकिन वहां भी केवियट था कि 440 का मैंडेटरी क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर वो ट्रिगर हुआ तो फिर बहुत कायदे की लॉन्ग लिक्विडेशन होगी, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। और आप देखिए, पहला लॉन्ग लिक्विडेशन का लेवल 400 रुपए था, 402 हम आ चुके हैं। यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर आ सकती है, बट 402 का लेवल, 400-402 का लेवल प्रोटेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बाउंस में 369-370 तक ये स्टॉक आता हुआ दिखेगा, तो आपको 370 रुपए के आसपास एवरेज करने की सोचनी चाहिए। फिलहाल एक बाउंस बैक आएगा, उसमें फ्रेश बाइंग या नया अप ट्रेंड मान के बाई मत कर लीजिएगा, वो टूटेगा और 370-369 का लेवल आएगा, वो आइडियल लेवल है, वहां पे आराम से बाई करके बैठ सकते हैं। आईओसी सर, देखिए, आईओसी में भी रिजल्ट खराब आए हैं, लेकिन क्रूड जिस हिसाब से 2 दिन में गिरा है, 6100 रुपए से 5750 आ गया है, और धीरे धीरे करके 5500 का तो टारगेट लग रहा है कि प्रोबेबली मिड दिसंबर में टेस्ट कर लेगा, और धीरे धीरे करके 5200 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। तो क्रूड में अगर इसी हिसाब की गिरावट बनी रहती है तो इवेंचुअली मार्केट आइडेंटिफाई करेगा और ओएमसी को वो वैल्यूएशन देना स्टार्ट करेगा। तो खराब रिजल्ट का एक जो वो कह सकते हैं कि जो हैंगओवर है वो ऑलमोस्ट निकल चुका है, अब यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। तो आईओसी करेंट मार्केट प्राइस से एवरेज कर सकते हैं 50%। थोड़ा सा पैसा रखिए कि अगर कहीं फ्लैश क्रैश या इस टाइप की चीज आती है और 125 में मिल जाता है तो वहां पे फुली इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा है टाटा पावर और आईओसी पर निकल करके आती हुई।